हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीबी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली हैं और मन में कहीं ना कहीं एक जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि आने वाला जो नन्ना मेहमान है बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। देखिए, वैसे लिंग में भेदभाव करना तो इंडिया में इलीगल भी है। मेरा ये जो चैनल है या मेरी ये वीडियो है, ये लिंग में भेदभाव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं उन महिलाओं की जिनमें बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकताएं होती हैं कि मेरे क्या होने वाला है, उनकी जिज्ञासा को मैं कम कर सकूं, इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत टाइम से ओल्ड वाइफ्स चली आ रही हैं, जैसे घर की दादी नानी ये आइडिया लगा लेती हैं देख के प्रेगनेंट लेडी को कि तेरे क्या होगा, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय। देखिए, माँ बाप के लिए लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों ही उनके आंखों का तारा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, अटैचमेंट भी होती है माँ की अपने बच्चे के साथ में। तो वो क्या होता है कि जब बच्चा हाथ में आता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाती हैं, सिर्फ बच्चा और माँ का रिश्ता ही इतना ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन लड़का या लड़की में भेदभाव करो तो ये सही बात नहीं होती है। घर की जो ओल्ड वाइफ्स हैं, एक दूसरे को देखकर ये आइडिया लगा लेती हैं कि तेरे लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं चार ऐसे सिम्टम्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखकर घर के बड़े बुजुर्ग बता देते हैं पहले कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो सबसे पहला जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो है पेट का शेप। पेट का शेप देखकर घर की दादी नानी ये आइडिया लगा लेती हैं कि बेबी बॉय बेबी गर्ल होने वाला है। देखिए, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। ओल्ड वाइब्स बहुत टाइम से चली आ रही हैं, वहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कईयों के साथ सटीक हो जाता है और कई लोगों के साथ में सटीक नहीं भी होता है। सिर्फ इस वीडियो को आप इन्जॉयली लीजिएगा, आपके केस पे सटीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर सटीक नहीं होता है तब भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ ओल्ड वाइब्स के बारे में बता रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से माना गया है कि जिन महिलाओं की पेट की शेप नीचे की ओर झुकी हुई होती है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। वहीं इसका अपोजिट जिन महिलाओं का पेट उभरा हुआ होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गोल शेप में होता है, बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है, ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वेट को गेन कर लिया है, शरीर भी ऐसा लगता है फूला हुआ हो गया है, तो उनको बेबी गर्ल होती है। बेबी बॉय के टाइम पर सिर्फ पेट की शेप बढ़ती है, बॉडी वैसे ही रहती है जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी होती है, सिर्फ पेट का ही आकार बाहर आता है। तो ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं बहुत ही महिलाओं के साथ सटीक हुआ है, तभी मैंने आपके साथ में ये शेयर किया है। अब अगला सिम्टम्स है एक्टिवनेस जो होती है, यानी कि दूसरा जो सिम्टम्स है बहुत ही सटीक माना गया है। ये सिम्टम्स अगर आपके केस में है, ये लक्षण देखकर घर के दादी नानी आपको बता देती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने में एक्टिव हैं, जैसे आप में आलस नहीं है, आप में बहुत ज़्यादा फुर्ती है, हर काम को नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी के पहले करते थे वैसे ही कर लेते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। वहीं आपका शरीर इसका अपोजिट बहुत ज़्यादा आलस वाला है, आपको मॉर्निंग सिकनेस भी है, इवनिंग सिकनेस भी है, थोड़ा सा काम कर लेते हो तो थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है कि नींद आ रही है तो सो जाओ, आलस भरा शरीर रहता है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल कंसीव है। बाकी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी के केस में ऐसा ही हो, सिर्फ ये ओल्ड वाइफ्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। बेटा हो, बेटी हो, बच्चा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स है कि फेस को देखकर बहुत सारी महिलाएं आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि वॉमिटिंग, मिचली आना, मॉर्निंग सिकनेस, उस दौरान क्या होता है जो फेस पे बहुत ज़्यादा साइन नहीं रहती है, फेस आपका डल हो जाता है और शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो फेस को देखकर होता है कि कईयों को फेस पर साइन आती है और कईयों के जो फेस होते हैं वो डल हो जाते हैं। कईयों का फेस क्या होता है, एकदम से नॉर्मल भी रहता है क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग हैं, बट ऐसी ओल्ड वाइब्स हैं, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा साइन आ गई है, चमक आ गई है, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो आप उन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। वहीं अगर इसका अपोजिट जिन महिलाओं का फेस पहले से उतर जाता है, फेस एकदम से डल हो जाता है, स्किन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी में जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, सूखी लगती है, बेजान लगती है, और आपका जो मुंह है बहुत ज़्यादा उतरा उतरा सा लगता है, कोई दूसरा देखे तो आपसे पूछे कि क्या आप बीमार हो, या आइडिया लगा लेते कि प्रेगनेंसी तो नहीं है ना कहीं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। ये बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक है, सिम्टम्स तो बहुत पुराना ये सिम्टम्स है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके केस में सटीक होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सिम्टम्स है
बहुत सटीक है ये लक्षण, आपने बहुत बार सुना होगा, पहले भी सुना होगा और आज भी आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। मोस्टली लोगों के साथ ये सटीक था, तो मैं आपको बता रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही स्टार्टिंग के डेज होते हैं क्या होता है ना कि हमारे हेयर फॉल तो नॉर्मली सबको होता है, कईयों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो कई लोगों को बहुत कम भी होता है। तो ऐसा बोला जाता है जब आपने कंसीव किया होता है और आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, बालों में एक साइन आ गई है, बालों में जो हेयर फॉल है वो नहीं हो रहा है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। कई महिलाओं को तो ये क्या होता है कि हाथों की बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, पैरों के बालों की भी ग्रोथ बढ़ जाती है बेबी बॉय के टाइम पर, बट इसका अपोजिट बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, बाल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ऐसा लगता है कि मेरे पहले से ज़्यादा बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल कंसीव होती है। तो ये लक्षण बहुत ही सटीक है जिन महिलाओं के केस में आपने सुना भी होगा। तो आज मैं बता रही हूँ जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बालों में साइन आ जाती है, बाल भारी लगने लगते हैं यानी कि बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है, तो उनको बेबी बॉय ही होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो आपको बताती हैं कि मेरे केस में ऐसा था, सिर्फ मैं अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को ना, आप इन्जॉय लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, कोई भी मन में गलत भावना मत लेके आइएगा। देखिए सभी के केस में एक जैसा हो, क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। इस वीडियो से यही मोटिव है मेरा कि आप हेल्दी रहें, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चले और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ में 4 ऐसे सिम्टम्स शेयर किए हैं। आई रियली वेरी होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप वीडियो को इन्जॉयली ले पाएँ। फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।